हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान पूरे रीति रिवाज के साथ एक जोड़े ने शादी की रस्में पूरी कर ली हैं। हमीरपुर के लगती ग्राम पंचायत अनुकलांग के गांव अनुखुर्द में श्रवण सिंह के बेटे रोहित की शादी चलोखर गांव में की गई है। इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और केवल 6 ही लोग बरात में गए थे। दूल्हे दुल्हन ने पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्में पूरी की। हालांकि दूल्हा और दुल्हन के अरमान धूमधाम से शादी करने के धरे रह गए हैं। शादी के बाद स्थानीय लोगों ने भी शादी की तारीफ की है और कहा कि ऐसी ही शादी होनी चाहिए। दूल्हे रोहित ने बताया कि मैंने अपनी शादी के लिए काफी अरमान मन में सजाए हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शादी धूमधाम से नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अब इन अरमानों को छोटे भाई की शादी में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी शादी पिछले साल ही तय हो गई थी, इसलिए शादी के लिए बहुत तैयारियां कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सारी तैयारियां कैंसिल करनी पड़ी हैं। आ जाएं। शादी हुई आपकी लॉकडाउन, क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन के दौरान भी अच्छी शादी होगी हमारी, जो हमारा डिस्टेंस था, सोशल डिस्टेंस था, वो हमने पूरा पालन किया उसका। खुश हूँ। दूल्हे के पिता श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे बेटे रोहित की शादी पिछले साल ही तय हो गई थी, पर कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई महामारी और इसके कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते शादी को पूरे नियमों के तहत पूरा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते शादी पर होने वाले लाखों रुपए का खर्च होने से रह गया है और हमने शादी बहुत ही सादगी से संपन्न करवाई है। मेरे श्रवण कुमार और मेरे बेटे का नाम रोहित भारद्वाज और बेटे की शादी थी और उसमें हमने बहुत अच्छा एंजॉय लिया और छः इनकी हमारे को परमिशन मिली थी और हमने 6 बंदे लेके गए थे 2 गाड़ियों में। शादी कब फिक्स हुई थी? शादी 2019 में। तो आपके देख लॉकडाउन में शादी करवा दी, आपने सोचा नहीं कि पोस्टपोन कराएंगे? नहीं 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 सर, तो ऐसे है ना, मेरी मिसेज भी बीमार रहती थी ना, तो इस करके हमने शादी के लॉकडाउन करना जरूरी समझा। हार्ट की पेशेंट और उसके नाम इसमें जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह सारा काम, हाँ सब कुछ ठीक किया, मास्क वगैरह सब कुछ लगाए थे उन्होंने। हाँ जी जी। वहीं स्थानीय निवासी ओंकार चौहान ने लॉकडाउन में हुई शादी पर खुशी जाहिर की और कहा कि शादी के दौरान लॉकडाउन के नियमों का सभी ने पालन किया है और बारात में भी केवल 6 ही लोग शामिल हुए थे। सर लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन की वजह से इनवाइट नहीं थे और शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई, जो प्रशासन ने इनको बताया था वैसे ही इन्होंने उस ढंग से शादी की। परमिशन मिली थी प्रशासन की तरफ से कि 5-6 आदमी होने चाहिए, वही थे और उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन किया और मास्क लगाए हुए थे। जी सर।